किलों की जो वकालत है न जाने उन्होंने कैसे प्राप्त कर ली थी। खुद वकालत करते हैं और कहते हैं मैंने माखन नहीं खाया। जज के सामने उनको खड़ा किया है, जज है उनकी खुद की माँ जसोदा। जज साहब बैठे हुए हैं, कई गोप हैं कई गोपियां हैं। इस दुष्ट ने माखन खाया, हमारे घर की सब मटकियां फोड़ी, हमारा दही सब फेंक दिया, हमारा जो बलह जो छाछ था मही थी वो भी सब फेंक दिया और मक्खन चुराकर अपने संगियों के साथ भाग गया। पकड़ा गया दुष्ट, अब तुम्हारे सामने लाए। वो कहता है माँ मैया मैं नहीं माखन खाया। कल माने कौन, लेकिन माँ बड़ी जज साहब बहुत सख्त थे, मेरे मुंह की ओर देखा करें जिससे आपको उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। मैं नहीं माखन खायो पहली दलील है। घोर भयो घोर भयो ओ मैया ओ मैया घोर भयो गैयन के पाछे घोर भयो घोर भयो घोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहे पटायो ए मधुबन मोहे पटायो री मैया चार प्रार भट्ट गयो
साझू परी तब घर आयो मैया मैं कब माखन खायो ये बेटा है मक्खन खाएगा इसने ये री मैया मेरी मेरी मैया हो मेरी मैया हो मैया जब नजर गरे जाना बगर मैया मेरी मेरी मैया दलील दूसरी मैं बालक ओ मैं बालक ओ मैं बालक मैं बालक मैं बालक मैं बालक बहियान को छोड़ो मैं बालक मैं बालक बहियान को छोड़ो छीको किस विध पायो रे मैया ओ मैया को किस बिज पायो पायो मैं सीखो किस बिज पायो अरे भैया लेकिन हालत यह है कि उसके मुंह को माखन लगा हुआ है और रेडी नहीं पकड़ा यहां बेचारा अब क्या कह रहे लेकिन वकालत की क्या बात है वकील साहब सच क्या जोड़ कर सकते हैं धन्य है वकील महादेव बहुत है उसको वो कह रहा ये बाल बाल सब श्री मैया ओ मैया ये बाल बाल सब सब बाल बाल सब बार पड़े बाल बाल सब बाल बाल सब प्रेम बनी दर मरे निपम भर बाल बाल सब सब वर पड़े बरबश मुख लपटायो मैया मैया मैया
مخالب تايو ريمي يا